हेलो एवरीवन, आज हम वेलवेट फैब्रिक के साथ एक शोपीस बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक हार्ट शेप कट करने वाली हूँ और हमें ऐसे दो पीसेस चाहिए। अब हम इन दोनों को एक साथ स्टिच कर देंगे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। अभी मैंने इस पूरे को स्टिच कर दिया, बस थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है जिससे कि हम कॉटन को इसके बीच में इंसर्ट कर सकें। अब इसमें हम कॉटन को इंसर्ट कर देंगे। अभी हम एक पेपर की स्ट्रिप लेंगे और उसको हम रोल कर देंगे जिससे कि एक स्ट्रॉ बन जाए। स्ट्रो बनने के बाद हम इसे हार्ट में इंसर्ट कर देंगे जो हमारी ओपन साइड थी उसकी हेल्प से। अब अच्छे से ग्लू की हेल्प से हम इसको पेस्ट कर देंगे। ऐसे मैंने एक और बना लिया, लेकिन ये साइज में थोड़ा छोटा है उससे। अब ये कार्डबोर्ड लेकर उसको 4.5 × 4.5 cm में कट कर लिया है। अब इनको एक साथ जॉइन कर देंगे कुछ इस तरह, जिससे कि एक बॉक्स बन जाए। अभी सारी साइड्स को हमने टेप की हेल्प से जॉइन कर दिया है। अब इसके ऊपर हम फैब्रिक पेस्ट कर देंगे। फैब्रिक पेस्ट होने के बाद हमने यहाँ पे 3 फोम शीट्स लिए हैं। अब इनको हम बॉक्स के अंदर इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक ही इंसर्ट किया है, अभी दो को एक साथ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अभी मैं सीजर्स के हेल्प से इसमें 2 होल करने वाली हूँ। अभी हम स्ट्रॉस पर ग्लू लगाने के बाद इसको हम फोम शीट में इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे दोनों को मैंने ग्लू की हेल्प से इसमें इंसर्ट कर दिया है। अब फॉर्म शीट के ऊपर भी ग्लू लगाने के बाद हम इसको इंसर्ट कर देंगे हमारे बॉक्स में। अभी मैं ग्लिटर शीट के ऊपर हार्ट शेप बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं थोड़े छोटे हार्ट ही बना रही हूँ। ऐसे हमें 2 हार्ट शेप्स बना लेने हैं। अभी मैं एक टूथपिक को इन दोनों के बीच में पेस्ट करने वाली हूँ। पेस्ट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी मैंने एक और हार्ट शेप बना लिया है। अब इनको हम फोम शीट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अभी यहाँ पर मैं नेट फैब्रिक ले रही हूँ और इसको हम 2 पतली स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। अब इन स्ट्रिप्स को 1 by 1 हम हार्ट शेप्स पर नोट कर देंगे एंड हमारा शो पीस रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।